510 डुअल डैश कैम, ये हम लगाएंगे अपनी टाटा पंच में। ये रहा स्टारविज 2 का सेंसर है 675। पार्किंग सर्वेलेंस है, जीपीएस है, जीपीएस ट्रैकिंग है एंड अदर्स है, ऐप कंट्रोल है। स्टारविज 2 है, 675 डुअल चैनल है तो मेड इन चाइना ही। तो ये रहा बॉक्स को साइड करते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर जो कि फ्रंट कैमरा के लिए, फ्रंट डैश कैम के लिए, एंड देन ये रियर के लिए। सो दो दो आया है, एक फ्रंट का दो एंड रियर का दो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। नेक्स्ट ये है माउंट जो कि डैश फ्रंट डैश कैम के लिए, ये दो आया है एंड रियर का ये छोटा सा है ये भी दो आया है, एक अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। एंड देन यूज़र मैनुअल्स इतना ही। अब बात करते हैं कैमरा के ऊपर। ये रहा कैमरा, इंस्टॉलेशन वीडियो भी दिखाऊंगा आप सबको। ये रहा 70mm का, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। एक है मेमोरी कार्ड स्लॉट अप टू 256GB, एक ए वी केबल है, एक चार्जिंग पॉइंट जो कि टाइप सी। और कैमरा में 360 डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। फिर आ जाते हैं रियर कैमरा के ऊपर। ये रहा फ्रंट कैमरा में, आप देख सकते हो कैमरा का स्टिक कोई प्रोटेक्शन स्टिकर नहीं था। अच्छा वो देखते हैं क्वालिटी। एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज़ माउंटिंग, ये माउंटिंग है फ्रंट कैमरा के लिए। एंड देन ये है रियर कैमरा केबल। एंड देन ये है फ्रंट का केबल जाकर डैशबोर्ड में यूएसबी कनेक्शन के साथ, टाइप सी आता है जी हाँ टाइप सी है। और क्या है, और एक है चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड देन लास्टली फिटिंग के लिए, फॉर फिटिंग। सो इसमें मेमोरी कार्ड सैमसंग का प्रो अल्टीमेट जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड है, और ये बनी हुई है एक्शन कैमरा, ड्रोन कैमरा, स्मार्टफोन्स के लिए। तो इसी को हम इंस्टॉल करेंगे, 128GB जो कि सफिशिएंट है, लगभग आई गेस 10-12 घंटे का नॉनस्टॉप रिकॉर्डिंग दे देगा, और उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, देखते हैं। तो दुईटा वायर देव, एक बैक कैमरा टाओ देव। देख सकते हो आप इंस्टॉलेशन जो कि राइट साइड से हो रहा है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। ये रबर का साइड से जाकर वायर जो कि डस्ट का नीचे से अंदर से चला जाएगा, बिल्कुल वायर विजिबल नहीं होगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। वायर जो रियर कैमरा के है वो साइड से रबर के अंदर अंदर से आ चुका है, अंदर ये जाकर यहाँ घुस जाएगा, यहाँ घुस के इजीली वायर विजिबल नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा वायर जो अंदर में रह जाएगा। अभी देख सकते हो ये पाइप के अंदर से चला जाएगा वायर, रबर के यहाँ से पाइप के अंदर जाएगा, फिटिंग अच्छे से कर देंगे एंड देन वायर बिल्कुल इनविजिबल रहेगा, जो एक्स्ट्रा वायर अंदर चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो 70mm का रिकॉर्डिंग है फ्रंट कैमरा का, जिसको कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग करके मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को लगा रहा हूँ जिसमें डैश कैम चिपक जाएगा। सो गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। और रियर का भी मैं दिखा दूँगा, कैमरा क्वालिटीज में दिखाऊँगा कैसा विजिबिलिटी है उसका। ये नाइट व्यू है देख सकते हो, ये रियर कैमरा का रिकॉर्डिंग है
आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी। रियर कैमरा नंबर प्लेट विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मुझे उतना अच्छा नहीं दिखा। राइट साइड में देख सकते हो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है, लेफ्ट में थोड़ा कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ अच्छे से विजिबिलिटी है राइट साइड में। कॉर्नर्स अच्छे से कैप्चर कर दिया है कैमरा ने। देखिए आप रियर व्यू से नज़दीक का विजिबिलिटी इजीली दिखाई देता है नंबर प्लेट्स। वैसे बात करें कैमरा क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी है। डिटेल्स व्यू आसपास के बहुत कुछ अच्छे से विजिबिलिटी आ रहा है। अब देखते हैं फ्रंट का नाइट व्यू कैमरा। नाइट व्यू का क्वालिटी देखिए कैमरा का, डैश कैमरा का काफ़ी ठीक ठाक है। डिटेल्स आसपास के सब अच्छा से विजिबिलिटी आ रहा है। नंबर प्लेट्स की बात करते हैं नाइट व्यू में, यहाँ आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ विजिबिलिटी ठीक है, नंबर प्लेट विजिबल है, देख सकते हो ठीक है, संभव ठीक है। लेफ्ट में बिल्कुल ब्लर है। अब ये ब्लैक कलर का देख सकते हो नंबर प्लेट विजिबल है ठीक है, जब लाइट पड़ रहा है तब। ये रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो भी है अपना हेडलाइट से रिकॉर्ड हो रहा है, उसी वजह से क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। अभी डे में कैसा काम करता है देखते हैं। डैशकैम इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, नंबर प्लेट्स का विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। इन दोनों में देखिए इतना क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, समहाउ विजिबिलिटी आ रहा है इस ट्रक का जो मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ आप देख सकते हो समहाउ कैप्चर हो पा रहा है नंबर प्लेट्स, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखिए विजिबल है। फिर टू व्हीलर का जैसे जैसे दिख रहा है इसमें विजिबल है, इसमें अच्छे से क्लियरली विजिबल है दोनों में। और कुछ स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए आप, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। ओवरऑल क्वालिटी ठीक ही है डे एंड नाइट का। नाइट का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए था, जैसे कि वीडियोस में शो करते हैं। बोलेरो का देखिए विजिबल है, फिर वैगनर का देखिए विजिबल है। सो 70mAh A510 का रिव्यू का वीडियो इतना ही था। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे वीडियोस मैं लाते रहूँगा।